तो कौन है तीस्ता सीतलवाड़, गुजरात दंगों से क्या है उनका कनेक्शन, और गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ की जो गिरफ्तारी की है उसके बाद अब ये मामला आगे कहां तक जाएगा। तीस्ता 2002 गुजरात दंगों के बाद ज्यादा एक्टिव हो गई थी, सामाजिक कार्यकर्ताएं, पेशे से पत्रकार भी रही हैं, लेकिन कथित तौर पर दंगा पीड़ितों के लिए सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नामक एक एनजीओ की शुरुआत तीस्ता ने की थी। यही संस्था 2002 के गुजरात दंगों में कथित संलिप्तता के लिए नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य राजनेताओं और सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग कर रही थी। और ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरी सहयोगी गोपी गांगर से, सीधे मेरे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, ये मामला, इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, ये मामला पूरा क्या है और तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के क्या मायने हैं और आगे तीस्ता को लेकर के कार्रवाई किस तरह से बढ़ने वाली है, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। आरतीता, देखिए आपको मैं बता देती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है तीस्ता, ये जो पूरा मामला है, क्योंकि 26 फरवरी 2002 के दिन जब गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को जलाया गया और उसके बाद 27 फरवरी को जब गुजरात बंद का ऐलान दिया गया और तब ये दंगे फैले। 27 फरवरी की शाम, करीब शाम को 6 से 7 के बीच में गुलबर्गा सोसाइटी जो है, जो अहमदाबाद के असारवा इलाके में आई हुई है, वहां पे जाकिया जाफरी, उनके पति कांग्रेस के पूर्व एमपी एहसान जाफरी, अपने घर के अंदर मौजूद थे और उस वक्त उन्हें वहां पे जो दंगाई है वो पहुंचे थे। दंगाइयों ने वहां पे हमला किया था और दंगाइयों ने जो पूरी सोसाइटी थी उस सोसाइटी को जला दिया था, जिसमें करीब 67 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई थी। उसके बाद एहसान जाफरी, जब एफआईआर, इस पूरे मामले की एक अलग एफआईआर भी हुई है और जाकिया जाफरी की एक अलग एफआईआर हुई थी, एक अलग और पिटीशन फाइल की गई थी। वो पिटीशन में को पिटीशनर के तौर पर सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की तीस्ता सीतलवाड़ भी थी। अब इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तब तीस्ता सीतलवाड़ ने उस वक्त की गुजरात सरकार, यानी तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर थे, कई सारे आरोप लगाया, पक्षी का आरोप लगाया कि यहाँ पे पक्ष लिया जा रहा है, दंगाइयों को मदद की जा रही है। और उन्होंने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक एसआईटी बनाने की मांग की। उस वक्त केंद्र में यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार ने भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी को बनाई जानी चाहिए, इस तरीके का एक समर्थन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया था और सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये एसआईटी बनाई गई, जिसमें जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, आर राघवन जो कि एसआईटी के चीफ थे, वो भी यूपीए सरकार के कहने पे तय किए गए थे, क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ और जाकिया जाफरी का ये पिटीशनर थी, पिटीशन थी कि इट्स अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, और इसे लार्जर कॉन्स्पिरेसी बताते हुए आरोप लगाए गए थे उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री पर, साथ ही डीजीपी, गुजरात के डीजीपी, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर, इन सब पे आरोप लगाए गए थे। 61 लोगों पर ये आरोप लगाए गए थे, इन लोगों के जरिए दंगे का फैलाए, दंगे को रोका नहीं गया, फैलाए गए, ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, इस तरीके की एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई। तो इसे लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया, गुलबर्गा सोसाइटी का 2002 के दंगों का। उसके बाद जब आर राघवन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो अर्पिता 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एसआईटी के सामने पेश हुए थे। करीब 7 से 8 घंटे की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था, यहाँ तक कि उन पे जो सवाल दागे गए थे, करीब 68 जितने सवाल दागे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और हर चीज में उनके जरिए जवाब दिए गए थे। और एसआईटी ने भी ये कहा था कि हाँ, जो हमने पूछताछ की है हम उससे सेटिस्फाइड हैं, हमें हमारे जो भी सवालों का जवाब चाहिए था वो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिए गए थे, इस तरीके का एसआईटी ने भी कहा था। और उसके बाद 2011 में इस पूरे मामले में एसआईटी की जो टीम है, क्योंकि एसआईटी की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, साथ ही गुजरात दंगों को लेकर नानावटी आयोग भी यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, दोनों के जो रिपोर्ट्स थे वो आ रहे थे, क्योंकि जितने भी विटनेसेस थे, जितने भी पीड़ित थे, वो सारे अपने बयान भी इसमें दे रहे थे, क्योंकि एसआईटी सिर्फ 8 केस के लिए बनाई गई थी, जिसमें जाकिया जाफरी का ये जो केस था ये प्रमुख केस था, और इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी बताकर
किया गया, जिसमें आरबी श्री कुमार के जरिए करीब 9 जितने एफिडेविट फाइल किए गए थे। अब आरबी श्री कुमार उस वक्त जो गुजरात के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थे, उनका ये कहना है कि उन्होंने अलग अलग रजिस्टर मेंटेन किए थे जो उनको सरकार के जरिए, जो मंत्री के जरिए या मुख्यमंत्री के जरिए आदेश दिए जा रहे थे, उसी का रजिस्ट्रेशन मेंटेन किया था। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन जब मेंटेन किया जा रहा था, दंगे चल रहे थे, उस वक्त उन्होंने पेश नहीं किया, उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन एसआईटी के सामने 8 साल बाद इसको पेश किया। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हुआ कि इतना वक्त क्यों लगाया? अगर आप सही थे, आपके एविडेंस सही थे, तो आपने इतना वक्त क्यों लिया? साथ ही अगर तिस्ता की भूमिका की बात करते हैं अर्पिता, इसके अंदर तो तिस्ता की भूमिका काफी लार्जर वे में देखी जा रही है।